हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज एक नया वीडियो आप सभी के पास लेके आ चुका हूँ। तो वो चीज़ क्या है, तो आप बस वीडियो में बने रहिए। जैसे कि दोस्तों आप सब देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में एक पीसीबी है और जो कि चारों ओर से होल है। तो हम आज प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं एक कॉपियर। तो कॉपियर क्या चीज़ है वो सब आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉपियर ऐसा है जो कि आपकी माइक और ऑक्स को अलग से डुप्लीकेट बनाता है, और डुप्लीकेट को भी बोलते हैं कॉपियर। इससे क्या होगा कि आप दोनों आउटपुट सेम निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी ऑडियो भी रहेगा और साथ ही साथ माइक के भी रहेगा। तो चाहे आप इसमें दो हेडफोन हेडसेट लगा दें या चाहे इसे आप पीसी या लैपटॉप में लगा दें, तो इसको बोलते हैं कॉपियर। तो इसके एक अलग से आते हैं जिसको बोलते हैं सेपरेटर। ये सेपरेटर अलग होती है कॉपियर से। तो सेपरेटर का काम है कि आपकी माइक और ऑक्स को अलग अलग करता है। आज हम बनाने वाले हैं कॉपियर जो कि कॉमनली आपकी लाइव स्ट्रीम में काम आते हैं। तो सबसे पहले आपको तो इस वाली पीसीबी आप देख चुके हैं, पीसीबी को चाहिए। उसके बाद आपको एक 3.5 mm की हेडसेट का कोई भी वायर चाहिए जिसमें आपकी पिन सही सलामत हो, काम करता हो। उसके बाद आपको 3.5 mm की जो सॉकेट होती है और उसकी ऑडियो सॉकेट बोलते हैं, जिसमें आपको माइक देखने को नहीं मिलेगा, उसमें 3 pin अवेलेबल है, तो वो वाला आपको सॉकेट चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए 4 pin वाला सॉकेट, जिसकी कॉमनली आपको म्यूजिक प्लेयर या तो मोबाइल से किसी पुराने आपके पास पड़ी हुए तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें 2 सॉकेट का इस्तेमाल करने के लिए तो आपको 2 मोबाइल इस तरह से पुराना वाला चाहिए होगा। अगर नहीं है तो आप इस तरह से एक 3.5 mm का ऑडियो सॉकेट या आपका 3.5 mm का 4 सॉकेट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सॉकेट को बोर्ड से निकाल चुका हूं। तो इस टाइप की आपकी सॉकेट देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर 6 pin देखने को मिलेगी, एक तरफ 3 pin, एक तरफ 3 pin। तो ये 6 pin तो 4 pin में तो 2 pin ज़्यादा है, तो क्या है वो 2 pin का राज, तो हम इसको चेक करके ही आपको मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि कंटिन्यूटी पॉइंट से हम चेक करेंगे। और वहाँ पे एक जो हम जो सॉकेट ले रहे हैं 3.5 mm का सॉकेट और 3.5 mm का जो पिन, आपस में मिलाएंगे इस तरह से, और उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करेंगे कौन सा पिन में आपको लेफ्ट राइट आउटपुट हो रहे हैं और किन पिन से आपकी माइक आउटपुट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कलर कोडिंग के हिसाब से इसकी पिन का कॉन्फ़िगरेशन किया गया होता है कि यहाँ पे कौन सा वायर में क्या होगा। तो यहाँ पे जो गोल्डन कलर का वायर है वो यहाँ पे माइक का पॉजिटिव है, रेड कलर का जो वायर है आपको देखने को मिल रहा है वो इसकी ग्राउंड है। उसके साथ नॉर्मली जो आपकी ब्लू रहता है वो आपकी राइट चैनल के लिए होता है और राइट चैनल स्पीकर के लिए होता है, और जो ग्रीन है वो आपकी लेफ्ट चैनल की ऑडियो के लिए होता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि एक पिन इसका खाली है, तो आपको इसको छोड़ देना है, बाकी के जो पिन है उसको आप पीसीबी में माउंट करना है। और उसको किस तरह से करना है तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको पीसीबी में बैठा कर देख देना है कि हमारा जो सॉकेट है वो सही से पीसीबी में माउंट हो पा रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरी अच्छी तरह से सोल्डरिंग का काम हो चुकी है पीसीबी में। ये है जो सॉकेट माउंट 3.5 mm का अच्छी तरह से माउंट हो चुकी है, और ये कहीं पे आपस में पिन शॉर्ट नहीं हुआ है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो उसके बाद हम इसमें ये वाली सॉकेट को लगा के हम चेक करेंगे कि सही से आउटपुट हो रहा है या नहीं। तो ये अच्छी तरह से लग चुका है, और लगने के बाद हम बारी बारी करके अभी इसको सही से चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले माइक वाला को पकड़ेंगे, ये ग्राउंड वाला को पकड़ेंगे। तो ग्राउंड वाला पिन कौन सा है हम चेक करेंगे। तो ये वाला ग्राउंड वाला पिन है, और एक पिन ये ग्राउंड का है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे माइक का प्लस, ये है माइक का प्लस, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट मिलेगा और कहीं पर भी बीपी साउंड नहीं मिलेगा, इन दोनों में मिलेगा। उसके बाद और बचा लेफ्ट एंड राइट के लिए, तो लेफ्ट राइट के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं
देखिए दोस्तों ये वाला पिन है और राइट वाले के लिए ये वाला पिन है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये माइक का प्लस, ये आपका लेफ्ट एंड राइट के लिए, ये भी लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो सही से काम कर रहा है ये। और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे लगाएंगे इस वाली 3.5 mm की जो सॉकेट है उसमें लगाएंगे। अगर आप दोनों में से आपको चाहिए इस टाइप की हेडफोन लगाने के लिए तो आप इस टाइप की भी सॉकेट कहीं से जुगाड़ करके लगा सकते हैं पुराना कहीं मोबाइल ख़राब से। तो मेरे पास ये था क्योंकि अभी इसमें लेफ्ट राइट के लिए खाली ऑडियो के लिए चाहिए, तो ऑडियो के लिए ये वाला सॉकेट बेस्ट रहेगा। तो एक घर यहाँ पे छोड़ के दूसरा घर से स्टार्ट करूँगा कि यहाँ पे सोल्डिंग के लिए भी मेरे को थोड़ा सा जगह मिले, ठीक है। एक या दो घर छोड़ के, तो एक दो घर छोड़ के यहाँ पर फिट करूँगा इसको नीचे की तरफ से, क्योंकि ये पीसीबी माउंट है, नीचे की तरफ से होगा। सो फ्रेंड्स, कुछ तरह इस तरह से आपको यहाँ पे फिट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पीसीबी में फिट कर दिया हूँ। और ये होल थोड़ा सा छोटा छोटा था तो थोड़ा सा बड़ा करके मैं इस वाली पिन को यहाँ पे फिट कर चुका हूँ। अभी इसको सोल्डरिंग करके बाकी का काम कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से ये हमारा बन जाएगा, तो फटाफट से सोल्डरिंग का काम कर लेते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले कट लगा के इस वाली पीस को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, तो हमारा पास इतनी छोटी पीसीबी है जिधर से हम यहाँ पे अपना हेडफोन हेडसेट लगा सकते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पे आउटपुट के लिए, ऑडियो आउटपुट के लिए या अपना पीसी के लिए भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारा लगभग हमारा रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा पास जो 3.5 mm का जो वायर था उसको यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर कनेक्शन करके करने से पहले तो यहाँ पर जितना भी कनेक्शन है सब इसके साथ पैरेलल कनेक्शन करना होगा। और उसके बाद यहीं से हम इस वाली वायर को, जो चार वायर है, तो इसमें से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा छोटा छोटा जंपर वायर का ज़रूरत पड़ेगा जो कि इसमें कनेक्शन करने के लिए। तो जंपर वायर हम ले आते हैं। तो दोस्तों एक साइड का यहाँ पर सोल्डिंग काम हो चुकी है, तो यहाँ पर सोल्डिंग काम हो चुकी है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जंपर लगा दिया हूँ। और उसके बाद अब बारी है यहाँ से एक जंपर उठाना है यहाँ से, और यहाँ से लेके चलना है हमको यहाँ तक, इस वाली पिन तक लेके चलना है। और उसके बाद एक तो ग्राउंड के साथ यहाँ पे कनेक्शन करना है। माइक वाला अलग रहेगा क्योंकि इसमें माइक का सिस्टम है, इसमें माइक का सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए तो हमको एक बड़ा वाला एक जंपर यहाँ पे यहाँ तक पहुँचाना होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको यहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस वाली जो लेफ्ट साइड वाली वायर का कनेक्शन है यहाँ पर हो चुकी है। आप देख पाए दोस्तों बड़ी वाली वायर था नहीं था, तो बीच में ऐसे थोड़ा सा बीच में सोल्डिंग करके मैं पहुंचा दिया हूं। यहां से क्या होगा कि मेरा सोल्डिंग का भी यहां पे कचरा नहीं दिखेगा, ज़्यादा सोल्डर भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो अच्छी तरह से ये बन चुका है। अब दोस्तों बाकी बारी है इसकी ग्राउंड की कनेक्शन करना है, इसकी ग्राउंड के साथ, ठीक है। ग्राउंड कनेक्शन हो जाएगा तो इसकी काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है। और चलिए दोस्तों फटाफट से ग्राउंड को ग्राउंड के साथ अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। तो मैंने कुछ इस टाइप का किया हूँ, यहाँ से पिन को उठाया, उधर से ऊपर वाला में बैंड किया, बैंड करते ही यहाँ पे ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया। और ऊपर से जो लाया था मैं उधर से इसको डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया। तो इधर कनेक्शन सब ओके हो चुका है। तो अब बारी है सिर्फ इसमें वायर कनेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो के रेडी हो चुकी है हमारा ये प्रोजेक्ट, सक्सेसफुली काम किया है, बन के रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं दोस्तों टेस्टिंग के बाद, ये हमको ये परफेक्टली पता चल जाएगा कि सच में ये काम करता है कि नहीं। यहाँ पे बीपी साउंड आ रही है, ये है आपका ग्राउंड का, यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे एंड लास्ट यहाँ पे। तो ये साइड हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक उसी टाइप का सिस्टम हम चेक करेंगे यहाँ पे, जिसमें सिर्फ ऑडियो आउटपुट होगा और कुछ भी नहीं। तो इसकी माइक वाला प्लस और ग्राउंड आपस में शॉर्ट रहेंगे, ये शॉर्ट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक किए, ओके, एंड ये सबसे पहले वाला ओके, सक्सेसफुली डन है, ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। और इसको फाइनली आपको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको चेक करके आपको दिखा लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं अब एक मोबाइल ले रहा हूँ। तो मोबाइल में क्या करूँगा, सेपरेटर जो बने थे, डुप्लीकेटर जो बने थे, तो इसको मैं यहाँ पर माइक के जैक में लगाऊँगा। तो माइक के जैक के इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों लोगो आ चुकी है, माइक प्लस स्पीकर का लोगो आ चुकी है। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा रिकॉर्डिंग, शुरू करूँगा। तो रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए यहाँ पे जो वेव दिखेगा तो वो कहाँ से आएगा, तो उसको लिए मैं यहाँ पे एक हेडफोन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, यहाँ पर हेडफोन का माइक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसको मैं लगाऊँगा, इसमें कनेक्ट करूँगा, इसके अंदर में
और यहाँ पे हेडफोन सामने है आपके सामने, तो चालू कर लेते हैं। हेलो हेलो, यहाँ पे देखिए दोस्तों वेब, हेलो 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 हेलो, ओके, फिर उसी को हम सुनेंगे, तो मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो, और उसी तरह हम यहाँ पे इसको निकाल के फिर इसमें कनेक्शन करेंगे, और सेम वही चीज़ को मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो 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 हेलो। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से आप भी अपने घर में पुराने पड़े चीज़ों से भी बना सकते हैं एक डुप्लीकेटर, जो कि कॉपियर बोलते हैं जी, उसी चीज़ को आप डुप्लीकेट करके दो आउटपुट यहाँ पे निकालेगा। और यहाँ पे चाहे तो आप दो इस तरह से हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपने देखा किस तरह से हमें इसको बनाए हैं, तो आप चाहें तो इस तरह से अगर आपको पुराना वाला मिलता है चार पिन वाला, तो आप भी इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक है, ये तो फिक्स हो गया, मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ आपका हेडफोन लगेगा और यहाँ पे आपका सिर्फ ऑडियो आउटपुट होगा, ये पूरा फिक्स हो गया है। अगर आप कुछ अलग अलग मतलब आपके हिसाब से लगाना चाहते हैं जिधर भी, तो उसके लिए आपको इस टाइप की अगर मिल जाता है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों इस तरह से कुछ नया सा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।